और मुझे लगता है कि आप लोग इस सेल्स और बिजनेस को ज्वाइन किए, आप भी अपने लाइफ में व्हाई ढूंढ रहे हैं, यस और नो, कि ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, इससे या फिर कुछ और मकसद भी है, यस और नो, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों को तलाशना पड़ेगा, क्यों क्या करना पड़ेगा, क्यों को तलाशना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है हाउ इंपॉर्टेंट है या वाई, जरूरी क्या है, कैसे या क्यों, ठीक है क्यों, लेकिन हम लोग पूरे जिंदगी में भागते हैं हाउ, ठीक है यस और नो। हम जॉब पे जाते हैं और वहां का एक शेड्यूल होता है काम करने का, हमको पता चल गया ऐसे काम करना है, उसके लिए हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग दे दी गई और पूरे 40 साल उसी को करिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, यस और नो, क्योंकि पता हो गया कैसे करना है ना, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को पता है कि लाइफ में क्यों पहुंचना है, कहां पहुंचना है, तो फिर उस मंजिल से निकलना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है? और मुझे लगता है कि आप लोग इस सेल्स और बिजनेस को ज्वाइन किए, आप भी अपने लाइफ में व्हाई ढूंढ रहे हैं, यस और नो, कि ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, इससे या फिर कुछ और मकसद भी है, यस और नो, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों को तलाशना पड़ेगा, क्यों क्या करना पड़ेगा, क्यों को तलाशना पड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 95% लोग हाउ में लगे पड़े हैं, ठीक है, और सिर्फ 5% लोग वाई में विश्वास करते हैं, कितने लोग 5%, ठीक है। इसलिए सक्सेस का रेशियो कहता है किसी भी फील्ड में, ठीक है, सक्सेस 5% और फेलियर 95%, ठीक है, सक्सेस कितना 5% और फेलियर कितना 95%, ठीक है। और 5% कौन लोग हैं, जिनका वाई क्लियर है, ठीक है, और जिसका वाई क्लियर नहीं है वो 95% वो भीड़ में शामिल है, यस और नो। और मुझे लगता है हम लोग इसमें शामिल होता है 5% में, यस और नो। तो हम लोगों को अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग बिजनेस को कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। जब मैंने भी ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि सेफ शॉप क्यों, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं, मैं इसके तरफ कैसे घुस गया, सेफ शॉप की तरफ मैं उसके तरफ क्यों नहीं घुसा, मेरा ध्यान कैसे इधर चला गया, ठीक है, यस और नो। कहते हैं कि इंसान को जैसे जैसे रास्ता मिलता है वैसे वैसे चलने की शुरुआत करता है, यस और नो, जैसे जैसे रास्ता मिलता है वैसे वैसे कोशिश करता है, ठीक है। तो जब तक और चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक जैसे समाज में लोग घुसे पड़े थे वैसे हम भी चले थे, यस और नो। जब एक तरीका मिला तो लगा कि नहीं ये भी एक ऑप्शन है, ये भी क्या है, एक ऑप्शन है, यहां से भी लाइफ बन सकती है, यहां से भी जिंदगी बन सकती है, यहां से जिंदगी और बेहतर हो सकती है, और सिर्फ अपनी नहीं हो सकती, अपने पूरे फैमिली की हो सकती है, यस और नो, और अपने साथ साथ कुछ और लोगों के भी हो सकती है, हाँ कि ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद का वाई क्लियर करना पड़ेगा। तो लगा कि इस बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है, तो मैंने भी यहां फाइंड आउट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा हमारा, दिख रहा है क्या आपको, कैसे ये होगा, ठीक रहा हूं, ठीक है, उसको तो देखेंगे, यस और नो, कि वो टिकेगी कि दलदल है, देखेंगे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो गाइडलाइन है उसको देखेंगे, पहली ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते चली जा रही है, यस और नो। नेक्स्ट, फर्स्ट 22-year-old इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ठीक है, पहली एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिन्होंने अपने 22 साल को पूरे किए, कितने 22 साल, कोई अटूनी नटूनी चटूनी कंपनी नहीं है, कितने पूरे करी है 22 साल, एक दो साल नहीं 22 साल, और 22 साल का इसके पास अनुभव है। तो मैं जिसके साथ जा रहा हूं, जिसके साथ हाथ बढ़ा रहा हूं, वो एक अनुभवी व्यक्ति है। आप कभी भी बिजनेस करना चाहेंगे तो किसके साथ करना चाहेंगे, एक लटूरे के साथ कि एक अनुभवी के साथ, जिसका मार्केट में अनुभव होगा, ठीक है, और कोई नया नया पूरा ताम झाम पूरा रौनक में है, ठीक है, और आपको उसका अनुभव का पता ही नहीं है, तो आप उसके साथ जाना चाहेंगे क्या, जाना चाहेंगे, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एक अनुभवी व्यक्ति है वो सब चीज को अनुभव किए हुए कि नहीं किए हुए, तो इंसान किसके साथ जाना पसंद करता है, जिसका अनुभव बड़ा हो, यस और नो। तो मैंने भी देखा कि सेफ शॉप का अनुभव क्या है, बहुत बड़ा, एक दो साल का नहीं 22 साल का अभी के हिसाब से। नेक्स्ट, मेनी बिग ब्रांड्स टाई अप विद सेफ शॉप,
बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने शेव शॉप के साथ टाई अप करा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने शेव शॉप के साथ टाई अप करा है। यस और नो? मैंने और भी इधर उधर सर्च किया, कोई ब्रांड किसी के साथ टाई अप नहीं किया हुआ, लेकिन शेव शॉप को मैंने देखा कि ये अलग अलग ब्रांड के साथ टाई अप किए हुए, ठीक है। और कहते हैं कि ब्रांड का अपना एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है, वो किसी के साथ जुड़ती है तो ऊपर से उसको भी चेक करती है, ठीक है। तो जब लगा कि ब्रांड के साथ जुड़ती है तो हमसे ज्यादा चेक करी होगी, यस और नो? हाँ कि ना, हमसे ज्यादा चेक करी होगी कि हमसे कम चेक करी होगी? ज्यादा चेक करी होगी। तो लगा कि नहीं, ये ट्राई एंड टेस्टेड है, ठीक है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रीडम, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम समय की आजादी कमा सकते हैं। पैसा तो कहीं से कमा सकते हैं, यस और नो? पैसा कमाने का तो बहुत तरीका है, अच्छे काम कर लीजिए, बुरे काम कर लीजिए, कुछ भी करके पैसा कमा लीजिएगा, यस और नो? लेकिन पैसा कमाने के साथ अगर समय कमाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि आज जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी आप कोई भी व्यक्ति का नाम उठा लीजिए जिसके पास अब पैसा के साथ साथ समय है, उसका पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यस और नो? क्योंकि बिना नेटवर्क आदमी बहुत पैसा कमा सकता है, ठीक है, लेकिन समय नहीं कमा सकता, यस और नो? हाँ कि ना? कोई जाके जुआ खेले और बहुत करोड़पति हो जाए, ठीक है, लेकिन समय कमाएगा क्या? समय कमाएगा, वो जैसे पैसा आया वैसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर पैसे के साथ समय कमाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। और मुझे लगा कि सेफ शॉप में आने के बाद एक नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। और मैंने ऊपर भी देखा, जो जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, अडानी, अंबानी, मित्तल, जो भी आप नाम ले लीजिए, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो नेटवर्क बना रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने नेटवर्क में शामिल कर ले, यस और नो? और मुझे भी क्या बनाना है? नेटवर्क बनाना है। वो भी क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में मेरा सामान बिके, यस और नो? और हम भी क्या चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में मेरा सामान बिके, यस और नो? तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक ये भी कारण रहा कि इस बिजनेस को करने का। नेक्स्ट, मनी फ्रीडम, ठीक है, पैसे की भी आजादी यहां से आप ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं कि नहीं? एक मिडिल क्लास आदमी, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, एक मिडिल क्लास हमारे और आपके जैसा आदमी क्या ऐसा करेगा मार्केट के भीतर कि 10 साल 20 साल 30 साल के भीतर वो पैसे से आजाद हो जाए? अगर पता तो होता तो हम लोग नहीं कर रहे होते, पता होता तो नहीं कर रहे होते। अरे वो तो सेफ शॉप में आने के बाद पता चला कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम क्या होता है, यस और नो? हाँ कि ना? ऐसे पता था क्या? ऐसे नहीं पता था। ऐसे पता था 9 से 5 की नौकरी जाना है, 10 बजे दुकान खोलना है, 5 बजे बंद करनी है, 9 बजे बंद करनी है, और एक महीना कट गया, 2 महीना कट गया, 1 साल कट गया, 2 साल कट गया, और ऐसे करते करते 30 साल कट गया, आज भी शटर उठा रहे, आज भी शटर बंद कर रहे, यस और नो? लेकिन एक ऐसा रास्ता, एक ऑप्शन मिला जहां से हम समय भी कमा सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। करना क्या है? नेटवर्क बनाना है, यस और नो? हाँ कि ना? तो एक रीजन यहां पर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर। मैंने कहा कि हम लोग कौन है? आम आदमी, मैंगो पीपल, यस और नो? हम लोग को फुर्सत से तो देश घूमने का समय नहीं है, विदेश क्या घूमने है क्या? ठीक है, तो छुट्टी में ऐसे लोग हैं जो नानी घर, दादी घर, मौसा घर, मौसी घर जाते हैं, है कि नहीं? विदेश की बात तो छोड़ दीजिए, है ना, गलती से घर में बोल भी दे विदेश जाना है, बोले विदेश का एक जाना है, ठीक है। और हम लोग के आस पास के लोग विदेश भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं, कोई सऊदी आपके कहां, आपके कहां, यस और नो? हाँ कि ना? घूमने के लिए जाता है क्या कोई? जाता है क्या कोई? हमारे आसपास के लोग जाते हैं क्या? जो हमारे कैटेगरी के लोग जाते हैं क्या? बड़े लोगों की बात नहीं करता, हम लोग जिस कैटेगरी में है उसी की बात करेंगे, बड़े लोगों का तो बहुत बड़ा बड़ा कहानी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है उसकी बात करता हूँ, कोई मौका है क्या? मौका है नहीं। लेकिन आज शेव शॉप इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है कि आज इतनी सी छोटी सी उम्र में, ठीक है, मुझे दो दो बार विदेश जाने का मौका मिल गया, छोटी सी उम्र में दो दो बार विदेश जाने का मौका मिल गया, कमाने के लिए नहीं, घूमने के लिए, यस और नो? हाँ कि ना? और अभी कितना बाकी है, ठीक है। और जो हमारे ऊपर सीनियर है वो पता नहीं कितना कंट्री घूम लिए। हेल्पिंग अदर्स, यहां क्या है? यहां एक दूसरे का मदद करने का बिजनेस है, यस और नो? एक आदमी दूसरे को पढ़ाने के लिए पीछे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसका भी स्वार्थ है, तो बाहर की दुनिया में किसका स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ नहीं है क्या? सबका स्वार्थ है, ठीक है,
सबका किसी न किसी के साथ फर्क है, लेकिन मदद कौन किसकी कर रहा है? कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक अपलाइन मिलता है, आपको एक रोलाइन मिलता है, रोलाइन अपलाइन को मदद कर रहा है, अपलाइन रोलाइन को मदद कर रहा है, और दोनों के मदद से लगातार लगातार हर किसी का बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो एक ऐसा बिजनेस जहां एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यस और नो? वो नाराज भी हो रहा तब भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी है तब भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो रहा तब भी सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव भी है तो भी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे ना। लेकिन बाहर की दुनिया में चले जाओ, आपके पास ज्यादा पैसा हो जाए, चार लोग तैयार है लूटने के लिए। यस और नो? आगे ना। यस और नो? सही बोल रहे हैं, ठीक है। लुटेरे कौन थे बाहर के भीतर? कोई मदद करने के लिए तैयार है क्या? लेकिन यहाँ आपको अपलाइन मिलता है जो आपको बार 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 आपको मदद करने की कोशिश करता है। तो एक ये भी रीजन रहा। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बहुत कुछ आने के बाद हम लोग को सेफ जॉब के भीतर जो भी हम लोग बोल पा रहे हैं, आज अगर मैं स्टेज पे बोल पा रहा हूं तो ये किसका देन है? ये सेफ जॉब का देन है, ठीक है। आप जाके चार लोगों के भीतर जाके बोल के और उसके पॉकेट से 10,000-20,000 निकलवा लेते हैं, ये किसका देन है? ये सेफ जॉब का देन है। जो आदमी इंसान में कभी एक रुपए का सामान नहीं बेचा, वो अभी तक पता नहीं कंपनी में कितने लाखों का बिजनेस करके दे दिया। ये किसका देन है? ये सेफ जॉब सिस्टम का देन है, ठीक है। बाहर के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल्समैन, वो बोलते हैं मैंने इतने का बिजनेस दिया, मैंने इतने का बिजनेस दिया, मैंने इतने का बिजनेस दिया। अरे भाई, आप भी अपने नीचे 10 आईडी लगाते हो, आप भी अपने नीचे 20 आईडी लगाते हो, तो जोड़ के देख लो कितने का बिजनेस आप भी दे रहे हैं। आगे ना, इसके लिए ना आपने एमबीए किया, ना कोई बिजनेस का कोर्स किया, ये किसका देन है? ये सेफ जॉब के एजुकेशन सिस्टम का देन है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर फ्राइडे और हर संडे। यस और नो? आगे ना। नेक्स्ट, सेव योर 36 ईयर ऑफ लाइफ। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो लोग रिटायर हो गए सेफ जॉब से, ठीक है। अभी अभी मैं उनके लिए भी ताली चलाऊंगा। हम लोग के मरकरी लीडर है मिस्टर सुभकाम कुमार सर, एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए, ठीक है। आज से ठीक 8 साल पहले, ठीक है, वो अवार्ड कंपनी में एज अ एमआर जॉब कर रहे थे। यस और नो? सैलरी नहीं होगी 32,000-40,000? यस और नो? हाँ कि ना? उनके साथ और भी लोग अवार्ड में काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? यस और नो? काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? लेकिन आज वही 8 साल के बाद, ठीक है, वही अवार्ड कंपनी में काम करने वाला एक इंसान, ठीक है, आज फाइनेंशियली भी फ्री हो गया बहुत हद तक, और अपने सपनों के ड्रीम कार मर्सिडीज सी क्लास को भी परचेज किया। ठीक है, आज उनका जो बचा हुआ एज है उसमें वो एंजॉय कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे कि नहीं कर रहे? लेकिन जिसको समझ में नहीं आया सेफ जॉब, आज भी वो एमआर महीने के 30 महीने के मार्च क्लोजिंग में अपने टारगेट को फुलफिल कर रहा हो, कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो? हर महीने का क्लोजिंग कर रहा हो? यस और नो? लेकिन आज देखते हैं वही फील्ड से निकला हुआ एक इंसान आज इस उम्र में अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी इसका एंजॉय करा पा रहा है। तो हम और आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते? जब एक इंसान कर सकता है तो हम और आप नहीं कर सकते? यस और नो? वही बिजनेस, वही प्लेटफॉर्म, वही एजुकेशन सिस्टम, सारा कुछ वही है ना। तो जब एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, आगे ना। तो ये सारे रीजन है कि हमें सेफ जॉब क्यों करनी चाहिए। और मुझे लगता है जब तक किसी इंसान का सेफ जॉब का करने का रीजन नहीं होगा, वो बिजनेस में नहीं टिक सकता। वो बिजनेस में 2 महीने टिकेगा, 3 महीने टिकेगा, 4 महीने टिकेगा, 20 की टीम बनाएगा, 25 की टीम बनाएगा, 50 का टीम बनाएगा। लेकिन जो इस बिजनेस के भीतर डायमंड बनने आया ना, उसका उपाय, उसका 6 महीने तक काम नहीं हो, 1 साल तक काम नहीं हो, 1.5 साल तक काम नहीं हो, चेक नहीं भी बने, लेकिन उसका अंदर का वाई क्लियर है, तो एक दिन आपको डायमंड दिखेगा। करना जरूरी है, पहले रीजन करना जरूरी है। यस तो नो? बाहर की भाषा में लोगों को फंसाना जरूरी है, पहले अपना कारण ढूंढना जरूरी है। कारण ढूंढना जरूरी है, हाँ कि ना? बाहर में बाद में फंसाइएगा, पहले खुद को तो सही से फंसा लीजिए।